कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता है मतलब बताइए, खाना खाने का तरीका मुझे नहीं पता है, तभी ये खाएंगे और मैं भी देख के खाऊंगी। आप कहाँ जाएंगे? अभी लाल बाग पैलेस। तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे लाल बाग पैलेस, तो चलते हैं फिर। चले चलो, अभी हम आ गए हैं लाल बाग पैलेस। बट सो सैड यार, देखिए सामने पैलेस दिख रहा है लेकिन पैलेस जाने का ये जो गेट है ये बंद हो गया है। यार मेरे आने पे क्यों किया ऐसा, क्यों आप इतने गलत टाइम पे लेके आए बताओ? क्या करे, बंद हो गया, कुछ नहीं कर सकते, ताला तोड़ के आएंगे। टाइमिंग गलत है, 6:16 हो गया ना यार। तो हम कांच महल गए थे, वो भी बंद हो गया था, मतलब हम अंदर गए लेकिन आपको दिखा नहीं पाए। एक्चुअली वो प्राइवेट था, गवर्नमेंट का होता तो दिखा पाते, इसलिए नहीं दिखा पाए। और ये दिखाने वाला था बट यहाँ टाइमिंग का इशू हो गया, थोड़ा पहले आते, 5 मिनट पहले बाहर से देख तो दिखा देते। कोई नहीं, कुणाल जी भी आ गए हैं। और आप पहले आए थे यहाँ पे? नहीं आए थे, मतलब देखिए ये भी जहाँ जहाँ हमको लेके जा रहे कहीं पर भी ये नहीं गए। और मैं बता दूँ ये टीचर है, आपको यहाँ के बारे में बता दे तो ये नेहरू सेंटर लाल बाग है, इंदौर में है, मऊ नाका पर है ये, इंदौर प्रॉपर में। जो लोग इंदौर में रहते हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें यहाँ पर एग्जीबिशन जो होता है वो यहाँ पर लगता है। म्यूजियम है, यहाँ पर कला केंद्र है साइंस के लिए। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जो कि MP के थे, उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स, साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि होलकर साम्राज्य के समय से। और जो लोग साइंस, जिनका साइंस सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई थिंक ये प्लेस उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट हो सकता है। और साइंस के लिए यहाँ पर काफ़ी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेगी। और ये वैसे तो बहुत अच्छी जगह है, ये देखिए ये इधर गार्डन वगैरह है। और पूरा इधर से हम काफ़ी दूर से चल के आए हैं इधर तरफ से। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं 56, जहाँ पे तरह तरह के खाने की चीज़ें वगैरह मिलते हैं, मतलब फेमस है। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं होगा, मतलब इंदौर की जितनी भी फेमस डिशेज है वो हमको खाने, वो हमको खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। बस और घूमेंगे 56 तुमको घुमाएं। और ये हमारी, और हाँ ये हमारी राम प्यारी है जिसमें राम प्यारी, ये हमारी राम प्यारी है जो लेके आ गए हैं। तो अभी हम इसमें ट्रेवल करेंगे, मास्क लगा लेते नहीं, पीछे से कोई आएगा बोलेगा 2000 फाइन। यस फाइन भरना पड़ेगा। और देख रहे हैं पीछे लाइट जल गई है, मतलब इससे समझ में आ रहा होगा कि अंधेरा हो गया है। चलें, चलो चलो फिर चलो। तो अभी हम आ गए हैं 56 भोग और यहाँ पे हमको 56 डिशेज मिलेंगी खाने के लिए। नहीं, और ज़्यादा मिलेंगी और ज़्यादा मिलेंगी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, छोटे छोटे स्टॉल है, स्ट्रीट फूड हब है। तो क्या खाना है? हमको सब कुछ खाना है। जितना पेट, वीडियो देखते देखते आपके मुँह में पानी आ जाएगा। हाँ डेफिनेटली। जो हमारे साथ कुणाल जी थे उन्होंने थोड़ा सा मास्क निकाल दिया था जिसकी वजह से उनको फाइन पड़ गया। यहाँ पे वो देख रहे हैं ना पीछे इंदौर नगर निगम की गाड़ी जो भी खड़ी है, ये उन्होंने तुरंत फोटो खींच लिया और फाइन मार दिया। देखिए हम आ गए हैं 56 पे और ये सीन आपने बहुत बार बहुत जगह देखा होगा। वैसे तो इधर पूरे 56 आइटम खाने के लिए मिलते लेकिन जो इंडियन आइडल डांस वांस का जो भी चीज़ें होती तो सबसे पहले यही का आता है निकल के। ज़्यादा मुझे नहीं पता है, एक मिनट सर इधर आइए, आप थोड़ा सा बताइए। आप बताइए, इंदौर का जब भी जिक्र होता है तो 56 इंदौर की जान कहा जाता है। खजराना मंदिर हो गया, 56 हो गया। लाइट चली गई थी, आ गई है। सेलू जी अभी अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं और यहाँ से तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। इधर आइए। कितनी चीज़ें खाई आपने? खाने को तो बहुत मन कर रहा है बट जगह नहीं है। अपन भोग में इधर ये भी देखने को मिला है, यहाँ पे जो आइसक्रीम लेना है तो मतलब वो करतब दिखाते हैं वैसा आइसक्रीम बना के देते हैं। आइसक्रीम वाला अपने वीडियो देखा होगा ना, ऐसे पकड़ाते फिर नहीं आती फिर ऐसा ऐसा करके वैसा करते हैं यहाँ पे। अभी हम पूरा 56 भोग जो है ये घूम चुके हैं लेकिन यहाँ से हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई, थोड़ी बहुत चीज़ें खाई क्योंकि हमको इंदौर का फेमस जो कि फूड है वो हमको खाना है और वो खाने के लिए हम कहीं और जाएंगे।
और वो चीज क्या है आप बता दीजिए थोड़ा सा। दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा यहीं का, मतलब यहाँ का फेमस है? निमाड़ का फेमस है दाल बाटी चूरमा। सेलू जी का कहना है कि दाल रोटी तो हम डेली खाते हैं, लेकिन दाल बाटी चूरमा आज हम खाएंगे। तो अभी हम चलते हैं और कुछ नहीं खाते। कुणाल जी थे वो चले गए हैं, और वो हमारे साथ, ये जो आपको इतनी अच्छी थाली दिख रही है, ये ज्वाइन नहीं किए, देख रहे मेरे सामने, मतलब इतनी अच्छी थाली, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये दाल है, दाल खट्टी मीठी मैंने अभी खाया नहीं है, ये चटनी है, एक चटनी है, सलाद, और ये है चूरमा। ये कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता है। मतलब बताइए, खाना खाने का तरीका मुझे नहीं पता है। तो अभी ये खाएंगे और मैं भी देख के खाऊंगी। देख के सीख के खाओ। हाँ हाँ, खाओ आप। इसको इसमें डाल लो। ये सही खाते इधर। अच्छा, दाल बाटी चूरमा आप चम्मच से भी खा सकते हो या फिर हाथों से भी खा सकते हो। हाँ, तो अभी हम खा रहे दाल बाटी चूरमा। ये तो दाल है, हमारे यहाँ बाटी आटे की बनती है, गोल गोल उसको बोलते हैं। हाँ, तो वो भी बनती है। अच्छा, वो भी आएगा अभी। हाँ, वो भी आएगा। ये उसकी, बट इसको उन्होंने क्या बोलते, मिक्स कर दिया। अच्छा, ये है दाल और ये है बाटी और चूरमा, और खाते हैं। पहली बार खट्टी मीठी दाल खाई, मजा आ गया। तो अभी हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और मैंने पहली बार खाया दाल बाटी चूरमा। मतलब जो बाटी होती है उसको ऐसा ग्राइंडर में डाल के वो चूरमा बना देते हैं, वैसा। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी कि बाटी अलग से दी जाएगी, चूरमा अलग से रहेगा, और दाल ऐसी थी, लेकिन जो कुछ भी था, मतलब खा के मज़ा आ गया। सेलू जी की भी बस है अभी, रात में 10 बजे और 9:30 ऑलरेडी बज गए हैं, तो अभी निकलते हैं। हमने कल लॉकडाउन है इसलिए, नहीं तो और घूमते, कोई नहीं, आगे भी बहुत सारी ट्रिप करेंगे। अभी बजे 4:30, 4 बजे ही उठ गए हैं हम, क्योंकि हमारी 6 बजे ट्रेन है, और हमने पूरा पैकिंग वैकिंग कर लिया है, ये देखिए बैग वगैरह। और आज संडे है, यहाँ पे लॉकडाउन है, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हमारी ट्रेन है सुबह 6 बजे की, हम 4 बजे इसलिए उठ गए क्योंकि हमको ऑटो टैक्सी जो कुछ भी, मतलब प्रॉब्लम ना हो। कल रात में बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि आपको जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटो ऑटो कुछ बंद रहेगा। एकदम ही हमने बुक कर लिया है। यहाँ पे एक और ऐप चलता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जुगनू ऐप चलता है, तो अगर आप यहाँ आते हो तो वो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप पहुँच जाओगे मस्त। तो अभी ओला उबर तो काम नहीं आया, जुगनू काम आया, हमने बुक कर लिया, वो आ रहे हैं, और हम भी चलते हैं बाहर, अपना लगेज वगैरह निकालते हैं। लगेज तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा है। अभी हमने जुगनू ऑटो बुक किया था, आ गया है, और हम बैठ गए, सारा लगेज वगैरह रख के। हमारा लॉकडाउन है फिर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सुबह है, थोड़ा बहुत सुनसान तो रहता ही है सुबह सुबह, लेकिन गाड़ियाँ आती हैं। जैसे बोला गया था कि एकदम गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, वैसा कुछ नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग बाइक से भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। अभी हम बैठ गए यहाँ पे, अभी ट्रेन हमारी नहीं आई है, अनाउंसमेंट हो रहा है, आई थिंक आने वाली है, अभी टाइम है, तब तक वेट करते हैं। आ गए हैं पहले, अच्छा है, नहीं तो लेट हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। यहाँ का पोहा और जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब पोहा तो मेरा फेवरेट है। मैंने सोचा था सुबह जब हम जाएंगे तो सुबह सुबह नाश्ता कर लेंगे, सैड यार, कोई भी दुकान नहीं खुली है, सब बंद है। हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, और ये ट्रेन है इंटरसिटी, ट्रेन नंबर है 09323, और ये मुझे 4 घंटे में पहुंचा देगी। और ट्रेन एकदम राइट टाइम पे आई, मतलब सिर्फ 5 मिनट का होल्ड था। लगेज वगैरह तो ये सारा ऐसे रखा है, कुछ ऊपर रखा हुआ है। फाइनली 10:30 बजे हम भोपाल पहुंच चुके हैं, ये हमारी ट्रेन खाली हो गई, और ये हमारा लगेज, सबसे ज़्यादा लगेज हमारा ही था। और आज शाम को 6 बजे हमारी ट्रेन है लखनऊ के लिए, तो पूरे दिन हमको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कहीं अगर यहीं पे स्टेशन पे रूम वगैरह मिल जाता है तो वहीं पे वेट करेंगे, नहीं तो कोई नहीं, हम तो ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी कैसे भी रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
गुड इवनिंग गाइस, हम अभी भोपाल में ही हैं और हम सुबह पहुंचे थे भोपाल में 11 बजे और यहाँ भी लॉकडाउन है तो जिसकी वजह से हम कहीं रूम वूम नहीं ले पाए, सारी मार्केट सब कुछ बंद है, तो यहीं पे वेटिंग रूम वहीं पे जाके सोए थे और हमारी वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रहे थे, इसलिए हम कुछ भी सूट नहीं कर पाए। और आई थिंक आपको देख के भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकान है। हमारी ट्रेन आ गई, अब हम यहाँ से निकलेंगे लखनऊ के लिए। हमारी ट्रेन है प्रतापगढ़ कोविड स्पेशल और ट्रेन नंबर है 02183। हमारा जो कोच नंबर है वो S7 में है। हमारी आज भी अपर की सीट है, मस्त जाएंगे, बैग वैग लगाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ और लखनऊ तो पहुंच चुके हैं यार, लेकिन अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी हमको जाना है हमारे घर और ये सारा लगेज अभी उठा के हमको जाना है बस स्टैंड, वहां से बस पकड़नी है। 100 किलोमीटर दूर है यहां से, तो 2 घंटे आई थिंक लग जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि ये सारे लगेज को लेके और ये जो बड़ा सा पहाड़ ब्रिज दिख रहा है इसको क्रॉस करना। कोई नहीं, पहुँच जाएंगे और घर चलेंगे तो आपको घर भी दिखाएंगे अपना। अभी अभी आधी जर्नी बाकी है तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, स्टे ट्यून। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं घर और इतने दिन से ट्रेवलिंग करके मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है अभी 3-4 दिन तक सोऊंगी तभी जाके नींद पूरी होगी। अभी घर आ गई हूँ तो अगर आप लोग बोलेंगे, आप लोग चाहेंगे तो मैं घर का टूर भी दूंगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।